जब पीरियड आने वाला होता है उस समय के डिस्चार्जेस अलग होते हैं, लेकिन जब आप प्रेग्नेंट होते हो फर्स्ट मंथ के डिस्चार्जेस अलग होते हैं। यानी कि ये कि डिस्चार्जेस बताएगा कि आप प्रेग्नेंट हो या फिर पीरियड आने वाला है। काफ़ी इजी सा ट्रिक है। तो डिस्चार्जेस के माध्यम से, जैसे कि महिलाओं के बॉडी में कुछ भी होता है, चाहे प्रेगनेंसी कंसीव होता है, पीरियड आने वाला होता है, तो डिस्चार्जेस अलग होते हैं। सभी डिस्चार्जेस एक समान नहीं होते हैं, उसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो आपको उन डिस्चार्जेस पे ध्यान देना है अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपका पीरियड आने वाला है या फिर इस मंथ आपने कंसीव कर लिया है, तो ईजिली जो है आप पता कर सकते हो। तो जब पीरियड आने के डिस्चार्जेस होते हैं, जैसे कि पीरियड तो नॉर्मली हर महिलाओं को हर महीने आता है, तो ये इसकी आदत है। लेकिन महिलाएँ डिस्चार्जेस पर ध्यान नहीं देती हैं, वो सिर्फ ये देखती हैं कि पीरियड आया है या नहीं। कई महिलाएं ध्यान देती हैं जो अपने बॉडी को अच्छे से जानती हैं, तो वो पहचानती हैं कि जब पीरियड आने वाला डिस्चार्जेस होता है वो अलग होता है, और जो प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज होता है वो अलग होता है। पीरियड आने का डिस्चार्ज होता है वो वाइट कोशिकाओं और द्रव्य से भरा हुआ होता है। यानी कि पीरियड आने से पहले आपको पानी जैसा डिस्चार्ज होगा, 24 घंटे पहले या बहुत सारी महिलाओं को 36 से 48 घंटे पहले पानी जैसा डिस्चार्जेस होगा। बिल्कुल कई महिलाओं को सिर्फ पानी जैसा डिस्चार्जेस होगा, ऐसा हो सकता है। और साथ में अगर प्राइवेट एरिया में कोई जलन, कोई इरिटेशन या फिर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। ये पीरियड आने का डिस्चार्ज है जो कि सिर्फ पानी के जैसा है। सेकंड ये कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तब का कैसा डिस्चार्ज होता है, उस वक्त के डिस्चार्जेस थोड़े से अलग ये होते हैं कि फर्स्ट मंथ में भी बहुत सारी महिलाओं को जब वो कंसीव करती हैं तो डिस्चार्जेस होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा थिक होंगे, कह सकते हैं नॉर्मल जो पीरियड आने के डिस्चार्जेस होते हैं उससे थिक होंगे, बिल्कुल वाइट स्टिकी टाइप का होगा, थोड़ा बहुत ओवुलेशन के टाइम जैसा डिस्चार्जेस आपको मिलेगा। साथ ही उसमें थोड़ा सा बैड स्मेल भी कभी कभी आपको नज़र आएगा, क्योंकि मैंने बोला कि प्रेगनेंसी में जो है स्मेलिंग की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो उनको डिस्चार्जेस में थोड़ा बहुत स्मेल आने लगता है। ठीक है, तो ये है प्रेगनेंसी कंसीव का डिस्चार्जेस। पतला सफ़ेद रंग का बैड स्मेल के साथ आपको ये डिस्चार्ज होगा जो कि प्रेगनेंसी का है। ये हो बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी में थोड़े थोड़े डिस्चार्जेस होते हैं, तो ये एक नॉर्मल सी बात है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि पीरियड आने के और प्रेगनेंसी के डिस्चार्जेस कैसे होते हैं। अब बहुत सारी महिलाओं को अगर ये डिस्चार्जेस दिखते ही नहीं हैं, यानी कि उनमें म्यूकस बनता ही नहीं है, सर्वाइकल म्यूकस बनता ही नहीं है, तो हो सकता है कि ना ओवुलेशन के टाइम में उनको डिस्चार्जेस होंगे, ना पीरियड आने से पहले डिस्चार्जेस होंगे। हो सकता है उनको कि ये सारा प्रॉब्लम उनको हो जिसमें उनको म्यूकस ना बनता हो, तो उनको ये डिस्चार्जेस नहीं महसूस होंगे। उसके लिए मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाया है कि आप किस तरीके से सर्वाइकल म्यूकस बना सकते हो अपने बॉडी में, जिससे कि आपको ये सारे डिस्चार्जेस हो, जो कि बहुत ज़रूरी है कंसीव करने में। कहीं ना कहीं प्राइवेट एरिया में जलन, खुजली, इरिटेशन, दर्द, ये सारा कुछ सर्वाइकल म्यूकस ना बनने के कारण होता है। रिलेशन के दौरान भी कई महिलाओं को प्रॉब्लम होती है, तो सर्वाइकल म्यूकस बनना बहुत ज़रूरी है, जो कि ओवुलेशन के टाइम में, पीरियड आने से पहले या प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद भी महिलाओं को ये डिस्चार्जेस होते हैं। खूब सारा पानी पिएं, टेंशन फ्री रहें, ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स खाते रहें, इससे सर्वाइकल म्यूकस बनने में बहुत मदद होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।